आप लोग भी देख चुके हैं, मैं भी देख चुका हूँ। इस कंडीशन में जाने के बाद दो दो करोड़ और नब्बे नब्बे लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी जिंदगी वापस नहीं आई है, ऐसे कई उदाहरण मैं आंखों से देख चुका हूँ सर। और आज के बाद ये कंडीशन हमारे परिवार के बीच में, हमारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज देश, हमारे देश में सर 30 लाख लोग हर साल इसी डेंजर जोन में जाकर फंस रहे, और यहाँ जाने के बाद वापस आना मुश्किल होता है। इसलिए एक ही चीज कहूंगा, आज के बाद हम या हमारे परिवार का कोई भी सदस्य इस डेंजर जोन में नहीं जाना चाहिए, ऐसी कंडीशन नहीं आना चाहिए। इससे बचने के लिए बहुत ही सरल और आसान से चार रास्ते हैं, चार इजी एक्शन है। वो चार इजी एक्शन इतने इजी एक्शन है ना, आपके घर का एक 5 साल का बच्चा भी उसे फॉलो कर सकता है। और वो चार एक्शन अगर आज से अभी से हमने अपनी जिंदगी में फॉलो कर लिए, लागू कर लिए, तो 200 प्रकार के कैंसर में से कोई भी कैंसर हमारी जिंदगी में या हमारे परिवार के जिंदगी में एंट्री नहीं मारेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। वो चार इजी एक्शन क्या है मैं अपना प्रोग्राम खत्म होने के पहले आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक दो मिनट में हम चर्चा करेंगे सिर्फ चार प्रकार के कैंसर। माफी चाहता हूँ, अभी 200 प्रकार के कैंसर में डिटेल में चर्चा करने के लिए हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन सर मैडम ये चार प्रकार के कैंसर जिसका मृत्यु दर का प्रमाण आज हमारे भारत में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, उन चार प्रकार के कैंसर में सबसे बड़ा जो कैंसर है वो महिलाओं में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर, भारत का सबसे बड़ा कैंसर। WHO कहता है आज हर 10 मिनट में एक महिला की जान हमारे भारत में ब्रेस्ट कैंसर के कारण जा रही है। मतलब सर मैडम हम लोग 30-40 मिनट से यहाँ कंटिन्यू बैठे, इस 30-40 मिनट के अंदर ही हमारे देश में किसी न किसी गांव में, जिले में, तहसील में 3-4 महिलाओं की जान ब्रेस्ट कैंसर से जा चुकी है। इतना ज्यादा बढ़ रहा है ना, जब कॉलेज में बच्चों को हमें प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो बच्चों का पहला सवाल एक ही आता है, सर हमने सुना था ये ब्रेस्ट कैंसर पहले दादी या नानी को हुआ करता था, 50-55 साल के बाद हुआ करता था, लेकिन आज छोटी छोटी बच्चियों में 18-19 साल की लड़कियों में भी ब्रेस्ट कैंसर देखा जा रहा है। दूसरा कैंसर हमारे देश में जो बढ़ रहा है इसका नाम है ब्लड कैंसर, यानी कि ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है ये 0 से लेकर 16 साल तक के जो बच्चे, इसमें इसका सबसे ज्यादा प्रमाण दिखाई दे रहा है। हमारे घर के छोटे छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे, इनमें ब्लड कैंसर का प्रमाण सबसे ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। और हमारे पुरुष वर्ग में सबसे बड़े जो कैंसर आज देखे जा रहे हैं इसके है फेफड़े का कैंसर और मुंह का कैंसर। ये चार प्रकार के भयानक कैंसर है जिससे मृत्यु दर का प्रमाण आज हमारे भारत में सबसे ज्यादा बढ़ते दिखाई दे रहा है। अभी कैंसर का एलोपैथिक उपचार क्या है हम उसमें बात करते हैं। कैंसर हो जाने के बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो एलोपैथिक उपचार में कैंसर का सबसे पहला उपचार होता है वो है सर्जरी, मतलब शरीर के जिस भाग में कैंसर हुआ है उस भाग को शरीर से काट के फेंक देना, अलग कर देना। लेकिन सर कभी कभी मैडम क्या होता है किसी को एक से ज्यादा कैंसर हो जाते हैं, किसी का मौत कैंसर किडनी में, किडनी का लीवर में, लीवर का फेफड़े में, तो क्या पॉसिबल होता है दोनों पार्ट को एक साथ काट के फेंक देना? नहीं, इस कंडीशन में ऑपरेशन थिएटर में टेबल पे ही पेशेंट की मौत हो जाती है। इसलिए डॉक्टर का कहना रहता है अभी आपका कैंसर बढ़ चुका है, एक से ज्यादा भागों में जा चुका है या तीसरी स्टेज से आगे निकल चुका है, तो डॉक्टर की दूसरी सलाह हमें मिलती है और वो सलाह होती है कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, इन दोनों थेरेपी ने तो कई लोगों की जान कैंसर से बचाई है। लेकिन सर मैडम कीमो ने, रेडिएशन ने जिन लोगों की जान कैंसर से बचा चुकी है वो लोग कौन थे, क्या उनके बारे में आपको नॉलेज है? सर मैडम वो लोग वो थे जिनका कैंसर पहली स्टेज में पकड़ा गया, प्रथम अवस्था में जिनका कैंसर दिख गया है उनकी जिंदगी तो कीमो ने, रेडिएशन ने बचा ली है, लेकिन जिनका कैंसर तीसरी स्टेज से आगे निकल जाता है या एक से ज्यादा भागों में हो जाता है तब डॉक्टर की एक सलाह होती है अभी आपको जो कीमो दिया जा रहा है, जो रेडिएशन दिया जा रहा है, इसके साइकिल हमें बढ़ाने पड़ेंगे, इसके डोजेस बढ़ाने पड़ेंगे। और कीमो रेडिएशन के साइकिल बढ़ाना मतलब मौत को दावत देना। कीमो रेडिएशन इतना जहरीले रसायन होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं जो परमाणु बम में यूज किए जाते हैं। कैंसर होने का पहला कारण वही होता है कीमो रेडिएशन, इतना भयानक जहर होता है ना, जब इसके साइकिल बढ़ाए जाते हैं तो कई बार कीमो देते देते सारी कोशिकाएं जल जाती है। कीमो दिया जाता है, रेडिएशन दिया जाता है कैंसर की कोशिकाओं को जलाने के लिए, खत्म करने के लिए, लेकिन जब इसके साइकिल बढ़ाए जाते हैं ना तो एक साथ पूरी कोशिकाओं को जला देते हैं। कभी कभी पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को कीमो देते देते पूरा शरीर काला पड़ जाता है, पूरे नाखून काले पड़ जाते हैं, पूरे दांत काले पड़ जाते हैं, पूरे बाल झड़ जाते हैं। वो कई बार तो कीमो देते देते पेशेंट की स्पॉट पे ही मौत हो जाती है, मतलब कैंसर पेशेंट की जान कैंसर से न जाके उसके ट्रीटमेंट से ही हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कीमो रेडिएशन के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। कीमो रेडिएशन के दुष्परिणाम में सबसे पहला दुष्परिणाम होता है स्वस्थ कोशिकाओं को भी